अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, चैप्टर नंबर 2, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। वी आर गोइंग टू रिवाइज प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इक्वालिटी। फर्स्ट, प्रीवियसली वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। अभी हमारे पास इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी हैं रियल नंबर्स की। फर्स्ट वन है आपके पास रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में एलिमेंट, जो भी मेंबर है, जो भी वैल्यू है, वो अपने ही वैल्यू के इक्वल होगी। फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है, देन सेकेंड वैल्यू इज़ इक्वल टू द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, कि आपस में ये वैल्यूज़ इक्वल हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, देन बी इज़ इक्वल टू ए। ये आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, सिमेट्री में है, सेम है, ठीक है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिव का है कि वो अपना आपस में रिफ्लेक्ट, यानी अक्स है एक का, सेम वैल्यू, वही वैल्यू रहेगी। सिमेट्रिक में है कि हम दो वैल्यूज़ का कंपेरिजन कर रहे हैं, और एक वैल्यू अगर सेकेंड वैल्यू के इक्वल है, तो सेकेंड ऑब्वियस फर्स्ट के इक्वल होगी। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव में हम थ्री वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं, थ्री वैल्यूज़ को। अगर आपके पास ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, देन ए इज़ इक्वल टू सी। अगर फर्स्ट वैल्यू सेकंड के इक्वल है एंड सेकंड वैल्यू थर्ड के इक्वल है, तो ऑब्वियस के फर्स्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू द थर्ड वैल्यू। फॉर ऑल वैल्यूज़ बिलोंग्स टू ए, बी, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्योंकि हम ये रियल नंबर का सेट पढ़ रहे हैं, इसलिए सारी वैल्यूज़ रियल नंबर के सेट में से ही हम इसको देखेंगे। फोर्थ वन आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे है, अगर थ्री इज़ इक्वल टू टू प्लस वन, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, तो अगर हम कोई थर्ड वैल्यू दोनों में ऐड करें, फिर भी आंसर दोनों में सेम आएगा। जैसे हमने फाइव ऐड कर दिया, और यहाँ पर हमने टू प्लस वन में भी फाइव ऐड कर दिया, एट, और यहाँ पर भी आ गया एट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, एडिटिव प्रॉपर्टी है। मींस के आपको अगर दो बच्चे हों, फॉर एग्जांपल, और दोनों 10-10 केजी उनका वेट हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हम ले लें, अज्यूम कर लें, अगर हम दोनों साइड पे और फर्दर उसमें हम और 5 केजी ऐड करेंगे, तो दोनों तरफ फिर हमारे पास वेट इक्वल हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके पास, इसमें भी यही है कि दोनों तरफ, अगर यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे भी 3 हो, अगर हम दोनों तरफ सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सेम होगा। ए इज़ इक्वल टू बी, देन ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। जैसे ए इज़ इक्वल टू बी, हम 2 times इधर मल्टीप्लाई करें, ये करें, जब ए भी इक्वल हैं, तो 2a इज़ इक्वल टू 2 times भी, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपके पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन में एडिटिव का उलट है, ठीक है, रेसिप्रोकल है, यानी आपके पास जो चीज़ थी, आपने उसमें एक और ऐड कर ली, अब आपके पास है जो आपने ऐड की हुई है, वो आप वापस कर दो, ठीक है। जैसे 10-10 केजीज़ के दो वेट थे, हमने 5 केजी एडिशनल ऐड किया था, तो हमने 5 केजी को वापस कर दिया, तो हमारे पास दोबारा क्या रह गए, 10 केजी रह गए, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये है कि जो आपने चीज़ ली हुई थी, वो आपने वापस कर दी, लेकिन कंडीशन एक ये है कि सी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो। अगर 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो उसमें से नहीं आएगा, ठीक है। तो ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। जैसे 5 इज़ इक्वल टू 4 5, अगर हम दोनों तरफ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 इज़ इक्वल टू 15, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी। फर्स्ट आपके पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। बेटे, कोई से भी दो वैल्यूज़ अगर हम ले लें नंबर लाइन के ऊपर से, तो नंबर लाइन पे एक 0, इधर आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और इधर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अगर हम दो वैल्यूज़ को डिस्कस करें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 1 और 2 का कंपेयर करना है, तो हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। या तो वैल्यू 1 आप
दो वन इक्वल होगी या वन टू से छोटा होगा या वन टू से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। तो हमेशा हमारे पास थ्री कंडीशंस आती हैं वैल्यूज़ के। अगर हम दो वैल्यू का कंपैरिजन कर रहे हैं रियल नंबर के सेट में, तो या ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ये तीन कंडीशंस को हम कहते हैं ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में है कि अगर ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन करें ए लेस देन बी, टू लेस देन थ्री और थ्री लेस देन फोर, तो जो ए और सी है वो ए लेस देन सी होगा। जैसे कि टू लेस देन फोर, अगर पहली वैल्यू दूसरी से छोटी है और दूसरी वैल्यू तीसरी से छोटी है, तो पहली वैल्यू तीसरी से छोटी होगी। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। टू इज़ लेस देन थ्री एंड थ्री इज़ लेस देन फोर, इट मीन्स के टू इज़ लेस देन फोर। सिमिलर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर द साइन ग्रेटर देन, के ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो इट मीन्स के ए इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन सी। वी असाइन वैल्यूज़ ऑफ दिस नंबर 5 greater than 4, 4 greater than 2 and 5 is greater than 2, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गई एडिटिव। एडिटिव में हमने क्या है, अगर a less than b है, ठीक है, यानी कि 2 less than 3 है, तो हम दोनों तरफ कोई सा भी सेम नंबर ऐड करें तो जब भी क्या रहेगी, फर्स्ट वाली वैल्यू आपके पास स्मॉलर ही रहेगी। अगर स्मॉलर है तो स्मॉलर रहेगी और अगर ग्रेटर है तो वो ग्रेटर रहेगी, ठीक है। जैसे हमें 10 ग्रेटर है 2 से, दोनों तरफ मैं ऐड कर लूँ 5, तो जब भी क्या है 15 ग्रेटर देन 7, तो फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर। एक लेस के लिए और एक उन्होंने आपको दिया हुआ है ग्रेटर के लिए, और यहाँ पे इन्होंने कम्यूटेटिव लॉ के ज़रिए वैल्यूज़ चेंज की हुई हैं, तो जब भी आंसर हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास दो कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताया है नंबर लाइन के ऊपर, पॉजिटिव का और नेगेटिव का। बेटे पॉजिटिव वाले केस में तो आपके पास सेम ही रहेगी कि अगर आपके पास ग्रेटर का साइन है तो कोई वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जब भी ग्रेटर रहेगी। लेकिन और इसी तरह लेस में भी आपके पास क्या रहेगी, लेस ही रहेगी, कि अगर हम सी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव मतलब 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। जैसे आपको सॉल्व करके इसको दिखाती हूँ, ए ग्रेटर देन बी, टू ग्रेटर देन थ्री। अब मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ किसी एक नंबर से, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 12। ये टू लेस है, टू लेस देन थ्री है ये, तो आप ये देखो 2 less than 3 है, तो जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया जो आंसर आया 8 और 12, तो इसका मतलब है कि 8 less than 12 है। तो यहाँ पे जो साइन था आंसर में भी आपके पास वही साइन आया। इसी तरह ग्रेटर में जब आप करोगे 3 greater than 2, तो यहाँ पे आप करो 5 के साथ 10 और 15, 3 बड़ा था तो यहाँ पे 15 भी बड़ा है, तो यहाँ पे साइन आपके पास ये आएगा, ठीक है। अच्छा, चेंज आपके पास आएगा नेगेटिव में, अगर आप -1, -2, -3 अप टू सो ऑन नेगेटिव नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, अगर 2 less than 3 है और मैं कोई सा भी रैंडम नेगेटिव नंबर पिक कर लूँ, 2 into -2 और 3 into -2, तो यहाँ पे आ गया -4 और -6, जबकि 2 less than 3 है और -4 क्या है, ग्रेटर देन -6 है। तो वाइल मल्टीप्लाइंग विद अ नेगेटिव नंबर इट विल चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, लेस विल कन्वर्ट इनटू ग्रेटर देन साइन एंड ग्रेटर देन साइन इज कन्वर्ट इनटू लेस देन साइन, ठीक है। लाइक यहाँ पे ग्रेटर का साइन था, जब हमने नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर कन्वर्ट हो गया लेस में, एंड सिमिलरली यहाँ पे आपके पास लेस का साइन था और जब हमने नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो गया ग्रेटर देन के साइन में। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये है कि अगर आपके पास 2 less than 3 है
मैं इनका इनवर्स मीन्स ले लूँ, यानी कि 1/2 और 1/3, तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपके पास हो 2 और 4, 2 less than 4, जब हम 1/2 और 1/4 करेंगे तो 1/2 आपके पास जो होगा 0.5 आएगा और 1/4 आपके पास आएगा 0.25, तो 0.5 क्या हो जाएगा आपके पास ग्रेटर। तो जब भी हम रेसिप्रोकल लेंगे, उसका इनवर्स लेंगे, तो आपके पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर लेस होगा तो ग्रेटर में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ग्रेटर होगा तो किस में, लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 2 less than 3 है, जो हमने इसका इनवर्स लिया, तो 1/2 और 1/3 साइन चेंज हो गया, ठीक है। और अगर 2 8 greater than 5 है, तो ये 1/8 less than 1/5 हो जाएगा। क्लियर बेटा? यू हैव टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। थैंक यू।